सवाई माधोपुर से मिल रहे इस वक्त की बड़ी खबर का रणथंभौर में वन्य जीव के हमले में चरवाहे की मौत हो गई। टाइगर के हमले की आशंका जताई जा रही है। खवा खांडोज गांव के पास आमा घाटी क्षेत्र में शव मिला है। मृतक बाबूलाल गुर्जर को जंगली जानवर ने शिकार बना डाला। ग्रामीणों ने सड़क पर इसे लेकर शव रखकर जमकर प्रदर्शन किया और जाम लगा दिया। ग्रामीणों ने घटना को लेकर जबरदस्त आक्रोश जताया। 50 लाख के मुआवजे की मांग ग्रामीणों की ओर से की जा रही है। राज्यसभा सांसद किरोड़ीलाल मीणा भी मौके पर पहुंच चुके हैं। तो घटनाक्रम को लेकर ग्रामीणों में जबरदस्त गुस्सा है, आक्रोश है। शव को सड़क पर रखकर जाम लगा दिया गया है। 50 लाख रुपए के मुआवजे की मांग उनकी ओर से की जा रही है और मामला राजनीतिक रूप लेते हुए भी नजर आ रहा है, क्योंकि सांसद किरोड़ीलाल मीणा भी इस वक्त धरना स्थल पर पहुंच चुके हैं। तस्वीरें भी आपको वहां दिखा रहे हैं जहां पर जंगली जानवर के हमले से एक शख्स की मौत हो गई है, जिसे लेकर ग्रामीणों में काफी ज्यादा गुस्सा है और यही वजह है कि वहां पर शव को रखकर अब प्रदर्शन किया जा रहा है और रुपयों की डिमांड की जा रही है। हालांकि पुलिस भी इस वक्त मौके पर पहुंच चुकी है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में पुलिस बल की भी मौके पर तैनाती कर दी गई है। तो पूरे घटनाक्रम को लेकर ग्रामीण खफा है प्रशासन से, क्योंकि उनका कहना है कि कई बार जंगली जानवरों को लेकर प्रशासन को शिकायत दी गई लेकिन इस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया और यही वजह है कि एक बड़ी घटना यहाँ पर घटी है और जंगली जानवर का आतंक यहाँ पर देखने को मिला है, जहाँ पर जंगली जानवर के अटैक से एक शख्स की मौत हो गई है। अब ग्रामीणों में इस घटना को लेकर गुस्सा है और ये गुस्सा सड़कों पर भी दिखाई दे रहा है, जैसा कि आप तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं। बड़ी संख्या में ग्रामीण इस वक्त सड़कों पर इकट्ठा हो गए हैं। सड़क पर जाम लगा दिया गया है, जिसके चलते आने जाने वाले वाहनों को तो दिक्कतें हो ही रही हैं। साथ ही साथ वहां पर लोग अब लगातार यही मांग कर रहे हैं कि पहले 50 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए, इसके बाद ये प्रदर्शन खत्म होगा। दूसरी तस्वीर में आप देख पा रहे हैं सांसद किरोड़ीलाल मीणा को, जो इस वक्त धरना स्थल पर पहुंच चुके हैं और उनकी मांगों को अपना समर्थन देते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि पुलिस की ओर से भी लगातार समझाइश की कोशिशें जारी है, जैसा कि आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। बड़ी संख्या में पुलिस वहां पर पहुंची हुई है और लगातार ग्रामीणों को समझाने की कोशिश की जा रही है। रणथंभौर नेशनल पार्क से सटे खवा गांव में बीती रात को टाइगर द्वारा एक ग्रामीण को मौत के घाट उतार लिया, जब से लेकर ग्रामीणों में जबरदस्त आक्रोश व्याप्त है। खवा गांव का निवासी था बाबूलाल गुर्जर। आप इस वक्त देख सकते हैं ग्रामीणों में इस घटना को लेकर के बेहद आक्रोश व्याप्त है और डेड बॉडी को लेकर के सभी जो ग्रामीण हैं वो रास्ता जाम करके यहां पर बैठे हुए हैं। ग्रामीणों की मांगे हैं और टाइगर द्वारा मौत के घाट उतारे जाने के मामले में इस मामले में जबरदस्त आक्रोश व्याप्त है। पुलिस प्रशासन यहाँ पर मौजूद है। ग्रामीणों की क्या कुछ मांगे हैं, आइए उनसे भी बात कर लेते हैं। क्या किस तरीके की मांग है? देखिए, कल दिन के 4:30 बजे की खवा गांव की घटना है। गांव में से बाघ खींच कर ले गया, बाबूलाल को मार दिया। गांव के लोगों ने संवेदनहीनता, देखो फॉरेस्ट का कोई अधिकारी कर्मचारी नहीं आया, गांव के लोगों ने डेड बॉडी को ढूंढकर निकाला और पिछले 12 घंटे से इस डेड बॉडी को लेकर बैठे हैं। अभी आपको ध्यान है, जैसा कि जयपुर में एक घटना घटी रामगंज में, तो वहां पर इकबाल को 50 लाख रुपए, एक सरकारी नौकरी और एक डेयरी बूथ का पैकेज जब उसको 24 घंटे में मिल सकता है, तो इस बाबूलाल को क्यों नहीं मिल सकता? इस बाबूलाल में क्या है ऐसा जो इस बाबूलाल को वो पैकेज सरकार नहीं दे सकती? डिमांड क्या है आपकी? हमारी डिमांड सेम है बिल्कुल जयपुर वाली, 50 लाख रुपए इसको आर्थिक मुआवजा मिले, इसके मृतक के परिवार को किसी न किसी को एक को नौकरी मिले और इसके लिए भी उसी प्रकार के एक रोजगार का साधन उपलब्ध कराया जाए। हमारी फिक्स मांगे इसी मांग को लेकर बैठे हैं, पर संवेदनहीनता देखिए, अभी भी 12 घंटे होने के बाद भी सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं है। सरकार को इसका जवाब देना पड़ेगा, हमारी मांगे माननी पड़ेगी, नहीं तो ये आंदोलन जारी रहेगा।
आप देख सकते हैं आंदोलन जारी रहेगा, घटना को लेकर के जबरदस्त आक्रोश व्याप्त है। ग्रामीण जो है वो इसको लेकर के और यहाँ पर लगातार बैठे हुए हैं। मैं आपको कुछ और तस्वीरें भी आपको दिखाना चाहूंगा। आप पीछे भी देख सकते हैं कि पुलिस प्रशासन बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद है। बड़ी तादाद में पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद है। पुलिस का बड़ा जाब्ता है वो यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि घटना को लेकर के एक बड़ा आक्रोश व्याप्त है। ऐसे में कहा जा सकता है कि जो घटना है वो बेहद संवेदनशील है, मामला भी बेहद संवेदनशील है। देखते हैं ये जो घटनाक्रम चल रहा है इसका पटाक्षेप आखिरकार कब होगा। गिरिराज शर्मा, न्यूज 18 सवाईमाधोपुर। तो चरवाहे की मौत पर ग्रामीणों में आक्रोश है, और जो ग्रामीण है वो मांग कर रहे हैं कि जिस तरीके से जयपुर की घटना पर तुरंत सीएम ने मुआवजे का ऐलान कर दिया, वैसे ही यहां पर भी किया जाए। गिरिराज शर्मा सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गिरिराज, खासा आक्रोश ग्रामीणों में, क्या स्थिति इस वक्त वहां पर, और कोई समझाइश के लिए पहुंचा है क्या? आवाज पहुंच रही है गिरिराज? तो राजनीति भी शुरू हो गई है। गिरिराज से संपर्क करने की कोशिश करेंगे ज्यादा अपडेट के लिए कि अभी वहां पर आखिर स्थिति कैसी है, क्योंकि अभी जो हम ग्रामीणों को सुन रहे थे उनमें खासा आक्रोश दिखाई दे रहा था, और निश्चित तौर पर उनकी ओर से कहा जा रहा है कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जयपुर की घटना को लेकर संवेदनशील रहे, वैसे इस घटना को लेकर भी संवेदनशीलता दिखाएं। 50 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान उनकी ओर से किया जाए, साथ ही साथ नौकरी की मांग भी ग्रामीणों की ओर से की जा रही है। हालांकि मामला राजनीतिक रूप लेते हुए नजर आ रहा है। सांसद किरोड़ी लाल मीणा धरना स्थल पर पहुंच चुके हैं और उनकी ओर से भी ग्रामीणों की मांग पर समर्थन दिया जा रहा है। तो आपको बताते चले कि एक चरवाहे की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि जंगली जानवर के हमले में चरवाहे की मौत हुई है, और इसी को लेकर ग्रामीणों में खासा आक्रोश है। मुआवजे की मांग को लेकर सड़क को जाम कर दिया गया है। बड़ी संख्या में ग्रामीण सड़कों पर उतर आए हैं। सहयोगी गिरिराज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गिरिराज, क्या स्थिति इस वक्त वहां पर? ये देखिए, काफी तनावपूर्ण माहौल इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। बड़ी घटना घटित हुई है। टाइगर ने एक ग्रामीण को मौत के घाट उतारा है। बकरी चराने के लिए जो ग्रामीण है, खवा गांव का निवासी था बाबूलाल गुर्जर, ये कल शाम को रणथम्भौर नेशनल पार्क से, चूंकि ये गांव है वो सटा हुआ है भौगोलिक परिस्थिति के अनुसार, तो जब ये ग्रामीण वहां पर गया तब ऐसे में टाइगर ने हमला किया और इसे ग्रामीण को मौत के घाट उतार दिया और इसे खींच करके जंगल में भी ले गया। ग्रामीणों ने अपने स्तर पर ही शव को ढूंढा और तब से लेकर के अब वन विभाग के प्रति, जिला प्रशासन के प्रति, सरकार के प्रति जबरदस्त एक आक्रोश व्याप्त है। सुबह से शव को लेकर के ग्रामीण बैठे हुए हैं और उसके बाद में इस शव को लेकर के ग्रामीण सवाईमाधोपुर की जो शाम पर जो सड़क है वहां ले आए, बीचों बीच इस सड़क को शव को सड़क पर रख के, और जो ग्रामीण है सैकड़ों की तादाद में ग्रामीण यहाँ पर मौजूद है, लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और उनकी मांग है कि 50 लाख रुपए का मुआवजा प्रदान किया जाए, मृतक के परिवार में से किसी एक आश्रित को सरकारी नौकरी प्रदान की जाए। इसी सारी मामले को लेकर के राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा भी मौके पर पहुंच गए हैं, और राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने भी जो मृतक के जो परिवार हैं ग्रामीण हैं उनकी मांग में अपना समर्थन मिलाते हुए सीधे तौर पर राज्य सरकार से मांग की है कि 50 लाख रुपए का मुआवजा प्रदान किया जाए और सरकारी नौकरी मृतक के आश्रित को प्रदान की जाए, उसके बाद ही इस घटना का पटाक्षेप किया जा सकेगा। ठीक है गिरिराज, तो मुआवजा और सरकारी नौकरी की मांग की जा रही है, सांसद भी वहां पर पहुंच चुके हैं, मामला राजनीतिक रूप भी ले रहा है। देखना है कि कब तक इनकी मांगों को पूरा कर लिया जाता है। आप नजर बनाए रखिएगा गिरिराज, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। और झुंझुनू के